हर्ष न्यूज़ की सारी खबरें आप तक। गीता कॉलोनी थाने की टीम ने अवैध हथियार के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया रानी गार्डन से। सहादर जिला के डीसीपी रोहित मीना ने वीरवार की सुबह 11:33 पर मीडिया से प्रेस रिलीज साझा करके बताया कि गीता कॉलोनी थाने के SHO सत्यवान के देख रेख में एक टीम जो कि क्षेत्र में गश्त कर रही थी, गश्त के दौरान पुलिस टीम को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि 6 माह की अवधि के लिए निर्वासित अपराधी जो कि गली नंबर 3 रानी गार्डन में अपने घर में आया हुआ है, यदि समय रहते छापा मारा जाए तो आरोपी को गिरफ्तार किया जा सकता है। जिसके बाद हेड कांस्टेबल सचिन और हेड कांस्टेबल हिमांशु गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए पहुंचे गली नंबर 3 C31 रानी गार्डन गीता कॉलोनी में, जहां घर में छापा मारा, जहां एक अपराधी जिसका नाम प्रमोद उर्फ गांजा पुत्र ठाकुर हंसराज है उसको गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। जिसके बाद आरोपी के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया जिसकी प्राथमिक संख्या नंबर 222/23 धारा 25 आर्म्स एक्ट और 53 और 116 DP एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। जहां आरोपी से की जा रही पूछताछ, आरोपी पर पहले भी 17 आपराधिक मामले दर्ज हैं। बहरहाल आरोपी को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया है जिससे पूछताछ जारी है।